आज घूमने के नाम पे हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स देखने जाते हैं या कोई बहुत बड़ी जगह हो वहाँ जाते हैं जो बहुत फेमस हो वैसी जगह पे। और जब मैंने अपनी घुमक्कड़ी शुरू की थी तो उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह थी वो यही थी कि मैं नहीं चाहता था कि मैं उन जगहों पे जाऊँ जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, चाहे बहुत बड़े मोन्यूमेंट्स हैं या जैसे शिमला है, ऐसी जगहों पे बहुत सारे लोग जाते हैं। पर एक्चुअली घूमने का जो सही मतलब है वो है कनेक्ट करना एक दूसरे को। ये एक विलेज है, बहुत ही एक हिडन जैसी जगह है, बहुत ही छुपी जैसी जगह, मुझे भी नहीं पता था, बस मेरे दोस्तों ने बताया कि ऐसी जगह है और हम यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। सो, ये चारों तरफ बिल्कुल पहाड़ से घिरा हुआ है और एक छोटी सी कम्युनिटी जैसी है, यहाँ पे लोग रहते हैं। और घूमने का सही मायने में यही मतलब है कि आप वहाँ के कल्चर से कनेक्ट हो जाओ। जैसे नागालैंड है, ये नागालैंड है, असम और नागालैंड का बॉर्डर है। सो, मैं असम में रहता हूँ और नागालैंड हम घूमने आए। बहुत सारे लोग जब नागालैंड आते हैं घूमने के लिए तो वो एक विलेज है किसामा, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होते हैं तो बहुत सारे लोग उस फेस्टिवल में जाते हैं किसामा में, उस गांव में, और उन्हें लगता है कि यही नागालैंड है। बट मैं कहूँगा कि कॉमर्शलाइजेशन और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। वो एक तरीके से पूरा मार्केट है किसामा, वो वहाँ पे आप रियल नागालैंड से कनेक्ट नहीं हो सकते। अगर आपको रियल नागालैंड से कनेक्ट होना है तो आपको गांव में जाना होगा, आपको लोगों को देखना होगा कि वो कैसे हैं, और तब आप सही मायने में समझ पाएंगे कि नागालैंड क्या है। जैसे मैं कभी जब नॉर्थ ईस्ट नहीं आया था और तब मुझे लगता था कि गुवाहाटी या ये जो बड़ी बड़ी जगह हैं यही सब घूमने लायक जगह, पर जब आप आते हो और गाँव में जाते हो, गाँव के रियल लोकल कल्चर को देखते हो, तब आप सही मायने में समझ पाते हो कि वो स्टेट या उस जगह के लोग कैसे हैं। और यही है सही मायने में घुमक्कड़ी। और अगर आप इस तरीके से घूमेंगे, अपने अंदर के घुमक्कड़ को निकालेंगे, तो आप सही मायने में जान पाएंगे कि हमारा इंडिया, हमारा नागालैंड, असम, मेघालय, ये अरुणाचल, ये कितने नेचुरल रिच है। कई बार हमें लगता है कि एक अच्छी ज़िंदगी के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, पर ये सच नहीं है। और ये बात मुझे आके पता चली है नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत खुश हैं और ऐसा नहीं है कि इनके पास बहुत पैसे हैं, पर फिर भी यहाँ लाइफ बहुत अच्छी है। नेचर के बीच में रहना और उसके साथ मिलजुल के रहना बहुत ही, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ये वही नागालैंड का छोटा सा गांव है जहाँ पे टूरिज्म बिल्कुल भी नहीं है, शायद कोई जानता भी नहीं है, पर इसकी खूबसूरती अनमोल है।